नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय विवेक सर में। आज से कुछ दिनों पहले 8 जनवरी को एक वीडियो आई थी, हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो आज की जो वीडियो है ये उसी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है कि कैसे हम लोग स्कोर कर रहे हैं 100 मार्क्स। तो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 20 डेज के अंदर हम लोग किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें पॉलिटिकल साइंस की, किस तरीके से हम लोग अपना उसमें ऐड ऑन करें, उसके अंदर मैप वीडियोस जो थे, आपके मैप्स थे, वीडियोस थे, नोट्स थे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने उन 20 दिनों में अपनी प्रिपरेशन कर ली हो। और जैसा कि मैंने कहा था आप सभी को कि 1 फेब को हमारी वीडियो आएगी जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस पेपर 1, ठीक है। ये जो पेपर है इसको बताऊंगा मैं आपको किस तरह से सॉल्व करना है इसको। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए, जब आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठोगे पॉलिटिकल साइंस का, सो कुछ इस तरीके से आपका पेपर होगा आपके सामने, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है जो आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलेंगे पेपर को रीड करने के, उसमें आपको ये पेपर पूरा पहले ढंग से रीड करना है, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप है आपका रीडिंग। 15 मिनट पेपर को ढंग से रीड कीजिए, प्रॉपर एक एक चीज़ देख लो कि पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं, क्या क्या आपके क्वेश्चंस में आपको आए हुए हैं, वो सभी आपको इस पेपर में पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये देखनी है, उसके बाद में आपको देखनी है ये मार्किंग स्कीम। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको आज तक पता नहीं होगा कि भाई क्वेश्चन जो है वो कैसे आने वाले हैं। सो सर इसको एक बार देखना चाह रहा स्कीम को कि क्वेश्चन 1 to 5 जो आएंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, 6 से लेकर 10 तक 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे आपके, 11, 16 4 मार्क क्वेश्चन होंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21 जो होंगे वो आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे ईच क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका जो है वो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक आपके 6 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। तो 6 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स और 1 मार्क, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी जो है वो मार्किंग स्कीम होने वाली है आपकी पॉलिटिकल साइंस की। सो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड का, तो 15 मिनट हमको ये पहले पेपर जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ने के बाद एक और चीज़, सबसे पहली बात 15 मिनट की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है पेपर में। प्लस पेपर जो करना है आपको स्टार्ट, वो ऐसे नहीं करना, आपको पहले आपको करना है क्वेश्चन नंबर 27, 26 से लेके ऐसे ऐसे करके आपको 1 पे आना है, ठीक है। सो कभी भी आपको जो है वो पेपर सॉल्व नहीं करना है इस तरह से, पेपर हमेशा करना है आपको रिवर्स, ठीक है, उल्टा पर आपको स्टार्ट करना है। तो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था पेपर में आपके, जो सॉल्व करना है आपको, एक और चीज़, इन क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, इन क्वेश्चन के आंसर आप दोगे मुझको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो क्या देखो कि पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका कि हाईलाइट एनी वन फीचर ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुलाइज बाय बोथ रशियन इंडिया, कि रूस तथा भारत द्वारा की गई परिकल्पना के अनुसार बहु ध्रुवीय विश्व की किसी एक विशेषता को उजागर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो आपका ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था, ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण था आपके लिए, क्या इसकी मेन चीज थी इसकी, ठीक है। अगले सवाल पे जब हम आते हैं हम लोग, क्या आपका, गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल टू शो डैट ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया, यहाँ पे जब सवाल थोड़ा घूम गया है, क्या पूछ रहे हैं एक्चुअल में, ये लोग क्या पूछ रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अब बच्चे हो जाएंगे परेशान कि सर ये क्या पूछ लिया, ये तो कराया नहीं आपने, ये तो मैम ने कराया। तो यार बहुत सिंपल है, वो क्या कह रहे हैं कि जो आपका वैश्वीकरण है उसके हमेशा सकारात्मक प्रभाव नहीं होते, उसके हमेशा आपके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होते हैं, उसके आपके नेगेटिव भी होते हैं, तो आपको इसमें नेगेटिव लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डज डेवलपमेंट हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी,
ये लोग कह रहे हैं कि समाज के जो आपके अलग अलग वर्ग होते हैं उनके उनके लिए विकास का अलग अलग अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। देखो यहाँ पे विकास पे लिखोगे आप, यहाँ पे यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ चिपको मोमेंट, ठीक है, कि चिपको मोमेंट के अंदर वो क्या था, सिंपल सी बात, चिपको मोमेंट था आपका कि जो लोग बाहर से आए थे उनके लिए विकास था कि वो आपके स्पोर्ट मैन्युफैक्चरर थे उनको वहां से प्रॉफिट था, और जो गांव के लोग थे उनको ट्रीज से प्रॉफिट था। तो विकास हर बंदे के लिए सेम रहता नहीं है, सबके उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, आपने वो प्रूव करना है। नेक्स्ट, व्हाई इज वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज कंसीडर्ड एज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए दो समुदाय जो होते हैं वो हिंसा खतरा क्यों है लोकतंत्र के लिए, यहाँ पे आपको ये प्रूव करना होता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है आपका, गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के लिए अपने हित साधनों की दृष्टि से कैसे सहायक रही, ठीक है, ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए पांच, ये थे आपके 5 मार्क्स के ईच, सॉरी 1 मार्क्स ईच, मतलब टोटल आपके यहाँ पे 5 नंबर हो गए आपके। अब 2 मार्क्स में आते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपको इंडियाज इंटरेस्ट की बात करनी है, नैम के द्वारा इंडिया का इंटरेस्ट किस तरह रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनालाइज दी 2 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ 1940s डेट लेड टू द डिसीजन ऑफ फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे आपको 2 नेशन थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, मोहम्मद अली जिन्ना 2 नेशन थ्योरी, नेहरू को यहाँ पे आपको जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगला जो सवाल आता है हमारा वो क्या आता है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग मीनिंगफुली फ्रॉम द नेम्स इन कॉलम ए विद द इंफॉर्मेशन इन कॉलम बी, इंदिरा गांधी के बारे में आपको यहाँ से एक चीज़ चेक करनी है, राम मनोहर लोहिया के बारे में आपको यहाँ से एक चीज़ चेक करनी है, जयप्रकाश नारायण जेपी के बारे में आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है, और जगजीवन राम के बारे में भी आपको यहाँ से एक चीज़ जो है वो करनी है। बहुत सिंपल है, आई विश कि आपको ये जल्दी इसको आप सॉल्व कर लें और इसको कोई आपको परेशानी इसको सॉल्व करने में ना हो। नेक्स्ट, हाउ फार डिड दी राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग नॉर्मलाइजेशन इन पंजाब, भाई जो आपका राजीव गांधी लोंगोवाल एग्रीमेंट हुआ था वो किस हद तक आपका सफल रहा था, आपको ये क्वेश्चन जो यहाँ पे प्रूफ करना है। अगला सवाल क्या आता है हमारा, वॉट विल हैपन इफ द रीजन्स आर नॉट गिवन देयर ड्यू शेयर इन डिसीजन मेकिंग एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर अगर क्षेत्रों को अधिकार ना दिए जाए तो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन का मीनिंग है। देखिए आप चाहे किसी मीडियम से, आप चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, आप दोनों मीडियम पढ़ लो यार, उसमें होता ये है कि अगर बाई चांस अगर आपको थोड़ी समझ नहीं आ रही लैंग्वेज तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है इन लैंग्वेज से, जो आपकी लैंग्वेज थी, ठीक है। सो अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि चीन द्वारा सोवियत मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहाइंड चाइनाज अडॉप्शन ऑफ द सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चाइना, कि भाई उसने क्यों इसको अडॉप्ट किया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, चैप्टर 4 से आया हुआ है ये, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अगला सवाल, सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में आतंकवाद को मन कीजिए, डिस्क्राइब टेररिज्म एज अ न्यू सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, थ्रेट सिक्योरिटी, तो नंबर 7 से आया हुआ है ये, सिक्योरिटी से नोट्स में क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए जो वैश्वीकरण है, क्या है जो आपका वैश्वीकरण है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो आपके वो क्या रहने वाले हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या आता है हमारा, वॉट डिस्टिंग्विश्ड द डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया फ्रॉम द वन पार्टी डोमिनेंस इन अदर कंट्रीज, बहुत ही प्यारा सवाल है यार ये तो। नंबर 2, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसमें हिंट देता हूँ मैं आपको, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी थी और जो कंट्रीज यहाँ पे लिखा ना अदर कंट्रीज, यहाँ पे आपका वन पार्टी रूल था। अब समझ जाओ इसका आंसर क्या होगा, और अगर समझ में आ जाएगा तो मुझे बताना जरूर आप लोग। एग्जामिन द ड्रामेटिक चेंजेस डेट टुक प्लेस इन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग 1969 to 1977, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा दिया है थोड़ा सा। 1969 में आप सब जानते हो कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए थे, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स को किस तरीके से 1971
1971 में किस तरह से कांग्रेस ने कमबैक किया था, 1977 में किस तरह से कांग्रेस हार गई थी, ये सब लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, इतने ही काफ़ी होते हैं बच्चों के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका, वो आपका पैसेज बेस्ड है, तो पैसेज मैं आपके लिए नहीं पढ़ने वाला हूँ पूरा, ठीक है। तो स्टडी द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो, ठीक है। फटाफट से आप इस पैसेज को पढ़ लो अगर आपको दिख रही है वीडियो, ठीक है। प्रॉपर द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंसेस यूज द लिंक टू सुपर पावर्स। अब इसमें हिंट मैं ये दूंगा आपको कि वाई डिड सुपर पावर्स नीड टू मेक अलायंस विद स्मॉलर कंट्रीज। अब ये चैप्टर वन था हमारा कोल्ड वॉर से, पांच नंबर का आपका आया हुआ है पैसेज, इसको आप देखिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। हिंदी वाले बच्चे भी जरा इसको देख लें एक बार, जो अगर कोई हिंदी इस मीडियम में आपको स्टूडेंट हो तो, ठीक है। सो ये आपका है दैट्स योर पैसेज वन। अगला जो हमारा आता है पैसेज वो क्या आता है, वो आपका आता है चैप्टर नंबर 5 से आ रहा है, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान, ठीक है। बहुत इजी है, क्वेश्चंस पढ़ लो जरा इसके फटाफट से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस हैं, आई थिंक सबको दिख ही रहे होंगे यहाँ पे आपको। हालांकि इतने ज़रूरी है नहीं ये पढ़ना है, ऐसे आप अपनी बुक भी रेफ़र कीजिए जब आप बैठें इसको सॉल्व करने, मेरे बुक्स प्लस मेरे नोट्स प्लस मेरी वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इस पेपर को सॉल्व करने में। अगला जो हमारा आता है क्वेश्चन वो भी पैसेज बेस्ड ही आपका, ठीक है, देख लीजिए इसको आप। मोमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आया वाला आपका राइस ऑफ पॉपुलर मोमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो आई विश इसको आप जल्दी सॉल्व कर लें, काफ़ी आसान होते हैं, इनको ढंग से पढ़ोगे तो एक बार आपको आराम से आ जाएगा समझ में। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो, क्या रिकॉग्नाइज करो कि चैप्टर ये जो आपका ये कहाँ से आया हुआ है, ठीक है, ये जो पैसेज आपका किस चैप्टर से आ रहा है ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ये मैप देख लो, सॉरी ये है कार्टून, कार्टून कहाँ से आया हुआ है ये, चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लैंड डेवलपमेंट। बहुत ही प्यारा यार कार्टून, तो समझ जाओ अब क्या क्या नहीं है इसमें, ठीक है। ये था हिंदी के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आइडेंटिफाई द नेम द पर्सन हु इज होल्डिंग द बैलेंसिंग। ये भाई साहब कौन है, ये जो बीच में खड़े हैं बम्बू लेके, बताओ कौन है ये, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर सब में इसमें डिफरेंस दिखा रहे हैं, सो देखो ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका आएगा वो आपका होगा कार्टून बेस्ड। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो किस लिए है, वो है आपका मैप के लिए, ठीक है। आपको ये नहीं करना होता, आपको ये क्वेश्चन करना है। सो आपको यहाँ पर पांच क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक है। देखो द कंट्री, किस कंट्री में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। द कंट्री इज ऑफ द व्यू डैट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्बिंग गैस एमिशन रेस्ट विद द डेवलप कंट्रीज। किस कंट्री ने कहा था ऐसा कि डेवलप कंट्रीज की जिम्मेदारी एक्स्ट्रा है। दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट मोमेंट, ऐसी कौन सी कंट्री है जो फॉरेस्ट मोमेंट के लिए जानते हैं उसको हम लोग। द फर्स्ट एंटी एंड डैम मोमेंट एम टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड सराउंडिंग, ठीक है। फर्स्ट एंटी डैम मोमेंट कहाँ कौन सी कंट्री में होता है, और दूसरा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिनरल जो ऑयल है वो कौन कंट्री जो है प्रोड्यूस करती है। ये आपको पांचों जो है आपको पहले तो कंट्री बतानी है कहाँ पे, और उसके बाद उस कंट्री को आपको इस मैप में लोकेट करना है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि मैप लेके बैठो जब भी आप पढ़ते हो, तो मैप आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आप कर लेंगे, उसके बाद आते हैं हमारे, अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चन 6 नंबरों के, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं यार, ये क्वेश्चन भी कर देते हैं, ठीक है, ये नहीं करना यार, ठीक है। अगला सवाल 6 मार्क क्वेश्चन,
एन आई ई ओ, ठीक है, सर्कमस्टांसिस विच गेव द बर्थ टू आइडिया ऑफ एन आई ओ, एक्सप्लेन टू टू फैक्टर्स डैट वीकेंड द इनिशिएटिव, ठीक है, प्रॉपर लिखो इसका आंसर, बताओ क्या लिखोगे आप. दूसरा, इन व्हाट थ्री वेज डिड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन अफेक्ट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अब देखो ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन घूम गया, ये एक सवाल क्या है, ये सवाल जो है वो एक्चुअली सवाल ये है कि वट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. देख रहे हो सवाल यहाँ पे दूसरा है, थोड़ा सा घुमा दिया और आप थोड़ा डर जाओगे, तो डरना नहीं है आपको. इसका मैंने लिख दिया आपका मीनिंग, देखो अब सॉल्व कर बताना मुझे. एग्जामिन दी यूएस हेजमनी एस स्ट्रक्चरल पावर, क्वेश्चन नंबर 23 है ये. एग्जामिन दी यूएस हेजमनी एस स्ट्रक्चरल पावर और एसेसिस द रोल ऑफ एशियन एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन. आर्थिक रोम में आसियान की लिखनी है आपको भूमिका क्या थी. 24th क्वेश्चन, मेंशन द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एनी टू, ठीक है, और फिर या फिर डिस्क्राइब द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशियन अफ्रीका आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो कंट्रीज थी न्यूली इंडिपेंडेंट उनके सामने क्या क्या चैलेंज थे, लिखना पड़ेगा आपको ये. अगला सवाल कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट डेट फॉरन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ परस्यूड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है, सपोर्ट योर आंसर विद एनी थ्री सुटेबल आर्गुमेंट. थोड़ा सा ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड आ गया है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा माइंड लगाओ अपना आप लोग, ठीक है. अगला सवाल क्या आता है हमारा कि या फिर गिव एनी थ्री सुटेबल आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ इंडिया बीइंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन द फर्न अपोजिशन टू रेसलिज्म, ठीक है. भारत ने रंग भेद के खिलाफ किस तरह से अपना कहते ना अपना उन्होंने प्रतिरोध दिखाया था, किस तरह वो अगेंस्ट थी, यहाँ पे आपको ये चीज जो है वो आपको प्रूव करनी है. ये आपका जो है वो क्वेश्चन था आपका, ठीक है. अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 मार्क्स में वो क्या आता है, वो आता है हमारा कि हाईलाइट द एक्ट्स ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस टू इमरजेंसी इम्पोज इन 75 इन योर ओपिनियन हाउ डिड दीज एक्ट्स अफेक्ट द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है. 1975 में लगाएगा आपातकाल में से असहमति या विशेष विरोध के रूप में घटित गतिविधियों को जाकर, मतलब ऐसा क्या क्या हुआ था जो जिससे लोग अगेंस्ट थे और जो हुआ था आपातकाल के दौरान इसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसका हिंट दूंगा मैं आपको. तो कांग्रेस 1977 में चुनाव जो है वो हार गई थी, तो उसका प्रभाव तो जो था वो आपका मेन प्रभाव का ये था आपका. या फिर क्या पूछेंगे आपसे कि एनालाइज द इशू ऑफ इंदिरा वर्सेज द सिंडिकेट, वॉट टाइप ऑफ चैलेंजेस डिड द इशू पोज बिफोर इंदिरा गांधी, ठीक है, कि भाई ये जो डिफरेंस लड़ाई हुई थी यहाँ पे आपको लिखनी है, मतलब यहाँ पे आपको नॉर्मली 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है. और लास्ट सवाल जो आपका हमारा आता है वो क्या आता है कि भारत में विविधता में एकता बनाए रखने के लिए तनाव के किन्हीं 3 दायरों का वर्णन कीजिए जिनको अभी हल किया जाना बाकी है, मतलब डिस्क्राइब एनी 3 एरियाज ऑफ टेंशन विच आर येट टू बी सॉल्व टू डिटेन यूनिटी डाइवर्सिटी इन इंडिया. ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया है, बताओ इसका आंसर आप लोग, ठीक है. और अगला सवाल क्या आता है हमारा कि 1989 के पश्चात भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में बढ़ती हुई सहमति में किन्हीं 3 मुख्य बातों का वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब एनी 3 एलिमेंट्स of growing consensus among the most of the political parties of India after 1989, ठीक है. ये क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 9 से बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान. अगर इसका जवाब चाहते हो तो चलो बताता हूँ मैं आपका जवाब. इसका पहला बताऊंगा से पॉइंट आपको मैं, एंड ऑफ कांग्रेस, ये था इसका आंसर. सो गाइस हम लोगों ने जो है पेपर जो आपको मैंने कहा था कि पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे, 1 फरवरी को, तो मैंने आपको बताया वो डिस्कस कर दिया पेपर आपका. अब मुझे ये देखना है कि आप किस तरीके सॉल्व कर पा रहे हो, और जब भी आप इसको सॉल्व करने बैठो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपकी तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर. अगर आप पूरी तरह प्रिपेयर हो तभी आप इस चैप्टर को, इस पेपर को आप सॉल्व करना, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं हो पाएगा. अदरवाइज़ आप अपने आप को ढंग से जज जो है वो नहीं कर पाओगे यार कि आप कितना पानी में हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते नहीं हो आप लोग अपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, ठीक है. और लास्टली अगर किसी स्टूडेंट को, जो भी मेरा व्यूअर ये वीडियो देख रहा है, किसी के पास अगर मेरे
नोट्स नहीं है, सो 9899382196 पे आप एक टेक्स्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने मुझे रात को 3 बजे SMS किया तो मैं आपको उठ के SMS रिप्लाई करूं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने शायद कमेंट किया था कि सर नोट्स नहीं मिल पाते हैं, नोट्स नहीं मिल रहे, आप विवेक सर एगोइस्टिक है, विवेक सर ये हैं, विवेक सर वो हैं। तो भाई पहली बात तो ये, विवेक सर एक इंसान है जो रात को ही सोते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है कि रात को अगर आप कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो उस टाइम पे विवेक सर आपको नोट्स नहीं भेज पाएंगे। सो थोड़ा सा आप रखिए पेशेंस, ठीक है। और अगर आपको लगी हो वीडियो अच्छी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।